हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। गाइस मैं आपको बता दूं, पल्सर 150 का जो बोल्ड कलर है ब्लू एंड ब्लैक कलर गाइस वापस आ चुका है। गाइस मैं आपको बता दूं, जी हां आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, वापस आ चुका है। प्लस दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, भाई मैंने यूट्यूब में बहुत ही छान मारा गाइस, ये जो न्यू कलर जो वापस से आया गाइस किसी भी यूट्यूबर ने नहीं डाला है अभी तक। आपका भाई इस बार फर्स्ट है गाइस, तो प्लीज इसके लिए तो थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ना भाई। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई। 138 के कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से भाई 1.5 लाख तक पहुंचा दो। और भाई मैं कोशिश करता हूं सबसे पहले वीडियो लाऊं, तो फाइनली दोस्तों ये चीज का सपोर्ट मिलता है, आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत से ये कलर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गाइस। तो आज की इस वीडियो में वापस से दोस्तों इस न्यू ब्लू एंड ब्लैक कलर के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों का आज का जो वीडियो है काफी अच्छा लगने वाला है। मुझे पता है दोस्तों ये कलर के बहुत सारे लोग शौकीन है, तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेंगे बाइक के प्राइस के बारे में। जैसे आपको पता ही है दोस्तों, हम कोई भी चीज खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने बजट के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि प्राइस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ऑब्वियसली बात है भाई, सबसे पहले प्राइस के बारे में ही सोचेंगे। दोस्तों अगर इसके प्राइस के बारे में अगर बात करें दोस्तों, बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है गाइस वो है 1,10,000 रुपीज के आसपास, 1,10,000 रुपए के आसपास की ये एक्स शोरूम आती है। एंड ऑन रोड प्राइस दोस्तों मेरे यहाँ लगभग 1,26,000, 1,26,000 रुपए के आसपास की ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस है अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फर्क होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इस कलर ऑप्शन के बारे में, कि इस कलर ऑप्शन में आपको क्या क्या न्यू ग्राफिक देखने को मिल रहा है गाइस। सबसे पहले दोस्तों टैंक में देख पा रहे होंगे दोस्तों, टैंक में आप लोग यहाँ पे न्यू ब्लू का स्टिकर्स मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ कार्बन स्टिकर्स मिल रहे हैं, साथ में दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है। फ्रंट में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे भी आपको कार्बन एंड ब्लू कलर जो न्यू ग्राफिक है आपको बाइक में देखने को मिलेंगे। एंड वही दोस्तों अगर इसकी हेडलाइट में देखेंगे तो वहां पर भी आपको कार्बन एंड ब्लू एडिशन, प्लस आपको इसके व्हील में भी एक ब्लू स्टिकर्स देखने को मिल रहे हैं। इंजन कॉल में भी देखेंगे, यहां भी आप लोगों को दोस्तों वही ब्लू एंड कुछ कार्बन ग्राफिक्स टाइप का देखने को मिल रहा है। उसके बाद रियर में भी आपको यहां पे कार्बन ग्राफिक प्लस आप देख पा रहे होंगे, साइड उसमें भी दोस्तों फुली कार्बन ग्राफिक का यूज किया गया है। प्लस दोस्तों रियर में 150 का ये लोगो, साथ में आपको यहां पे भी ब्लू एंड कार्बन ग्राफिक का देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो कलर ऑप्शन है भाई पल्सर 150 का सबसे बेस्ट कलर ऑप्शन है। ये जो कलर ऑप्शन है भाई आज तक इसका कोई भी तोड़ नहीं आया गाइस, और फिर से बजाज ने इस कलर ऑप्शन को लेकर आए हैं। थोड़ा सा चेंजेस है बट एक्चुअल में दोस्तों ये कलर बहुत प्यारा लगता है इस बाइक का। तो ये तो दोस्तों हो गया बाइक का कलर ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इंजन टाइप में 4:2 स्पार्क प्लग BS6 कंप्लाइंट DTSI FE इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। इस बाइक में 149.5 cc का इंजन यूज किया गया है।
मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क में, मैक्सिमम पावर में 14 का पीएस पावर है जो कि 8500 आरपीएम पे पावर जनरेट करता है, एंड मैक्सिमम टॉर्क में 13.25 का न्यूटन मीटर टॉर्क है जो कि 6500 आरपीएम पे पावर जनरेट करता है। यानी कि पावर एंड टॉर्क आपको बाइक में बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा। वन नंबर ऑफ सिलेंडर में बाइक को डिजाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में दोस्तों एयर कूल्ड इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। बाइक में 2 वॉल्व है। ड्राई टाइप में चैन ड्राइव है। स्टार्टिंग टाइप में दोस्तों ध्यान रखिए ट्विन डिस्क मॉडल है, यानी कि टॉप मॉडल है। इसमें दोस्तों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन आता है, किक का ऑप्शन नहीं आता। एंड मैं आपको बता दूंगा इससे जो और जो मॉडल आते हैं इसके 150 नियॉन एंड 150 स्टैंडर्ड मॉडल, उसमें आपको किक एंड सेल्फ दोनों ऑप्शन आता है, ये ट्विन डिस्क मॉडल में नहीं आता है। फ्यूल सप्लाई में ऑब्वियसली बात है फ्यूल इंजेक्शन है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं BS6 में इस चीज को कंपलसरी कर दिया गया है। क्लच में दोस्तों वेट मल्टीप्लेट क्लच है, साथ में 5 स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। नॉर्म स्टेप एमिशन टाइप BS6 वेरिएंट है। तो ये था दोस्तों बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं 150 सेगमेंट के हिसाब से आपको जो बाइक में पावर दिया गया गाइस वो काफी अच्छा पावर है। आपको यहां पे कहीं भी फील नहीं होने वाला कि बाइक में थोड़ा पावर कम हो या कोई प्रॉब्लम हो, नहीं, बाइक काफी अच्छा परफॉर्म करती है। बाइक में आपको काफी अच्छा पावर देखने को मिलता है। प्लस दोस्तों एक पॉइंट और याद है, मैं आपको बताना चाहूंगा बजाज की जो BS6 बाइक्स है, जितनी भी उनकी BS6 बाइक आप देखेंगे ध्यान देंगे दोस्तों, वो बाइक ना बहुत ज्यादा स्मूथ है, वाइब्रेशन लेस है, काफी कम वाइब्रेशन आपको इनकी बाइक्स में देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है दोस्तों आपको पल्सर 150 में ये जरूर मिलेगा कि BS6 होने की वजह से बाइक की जो मतलब फेयरिंग वाइब्रेशन आप कह सकते हो, कुछ भी जो हैंडलिंग वाइब्रेशन करते हो वो आपको बिल्कुल भी इस बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बाइक के फीचर एंड सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। गाइस स्पीडोमीटर में बता दूं आपको, देख भी पा रहे होंगे बाइक में आपको एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं बाइक का जो स्पीडोमीटर है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि उसे थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए बजाज को। ये भाई मैं बहुत दिनों से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बट पता नहीं भाई बजाज वाले वीडियो देखते हैं या नहीं देखते, बट मेरे हिसाब से दोस्तों उसमें थोड़ा सा बजाज वालों को काम करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। तो स्पीडोमीटर इसमें डिजिटल है गाइस, ध्यान रखिए। यहाँ पे टेकोमीटर एनालॉग मिलता है जिसे आरपीएम मीटर भी कहते हैं। ओडोमीटर डिजिटल है, ट्रिप मीटर डिजिटल है, फ्यूल गेज डिजिटल है। साथ में दोस्तों बाइक का आपको बता दूं कुछ दिन पहले न्यू स्पीडोमीटर ऐड किया गया था, जिसमें आप लोगों को बाइक में डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, इंजन मालफंक्शन लाइट, ये बाकी कुछ नॉर्मल फीचर्स भी आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे। बात करें दोस्तों बाइक के चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में। बॉडी टाइप में दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कम्यूटर बाइक्स है। जैसे बाइक की सीरीज होती है एडवेंचर, क्रूजर, एक सेगमेंट होता है, वही दोस्तों सस्पेंशन में बाइक में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छे सस्पेंशन है गाइस और काफी अच्छी तरह से वर्क करते हैं और बाइक काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। रियर में आपको बाइक में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएंगे गाइस, ये भी इसके जो रियर सस्पेंशन है ये भी काफी बेटर है। मैं आपको बता दूं पिलियन भी इसका काफी कंफर्टेबल इसमें बैठकर राइड कर सकता है। बात करें दोस्तों बाइक की लेंथ एंड कैपेसिटी के बारे में। गाइस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो 2035 mm की, बाइक की जो विड्थ है गाइस वो 750 mm की, बाइक की जो ओवरऑल हाइट है गाइस वो 1115 mm की, एंड बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 15 लीटर की। एक बार में आप इसमें 15 लीटर पेट्रोल फ्यूल करा सकते हो। बाइक की जो ग्राउंड क्लीयरेंस है गाइस वो 165 mm की, बाइक की जो व्हील बेस है वो 1345 mm की, एंड बाइक का जो कर्व वेट है गाइस वो 150 kg का, जी 150 kg की ये बाइक है। चलिए बात करते हैं बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल्स में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस इस कलर में भाई बैटरी नहीं लगी हुई थी। मैं आपको दूसरे कलर में इसका हेडलाइट ऑन करके दिखा दूंगा गाइस, ठीक है। कलर बस अलग है, बाकी सारी चीजें सेम है गाइस। हेडलाइट में आज भी आपको बाइक में हैलोजन लाइट देखने को मिलता है। भाई पता नहीं बजाज ये चीज कब ध्यान देगा और इसमें LED ऑप्शन लाएंगे। भाई यहां तो 125 की इतनी सारी बाइक्स है इंडियन मार्केट में जिसमें आप लोगों को यहां पे LED मिल जाती है, बट आज भी इस बाइक में नहीं मिलती। टेल लाइट भी आपको इसमें LED मिलेगी। टर्न सिंगल लैप में बल्ब आते हैं, LED टेल लाइट्स है। बैटरी टाइप फुल DC बैटरी है। बैटरी कैपेसिटी 12 वोल्ट की है। लो फ्यूल इंडिकेटर, एंड साथ में आपको बाइक में ये चीजें भी देखने को मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे बाइक के टायर साइज के बारे में। टायर साइज में दोस्तों मैं आपको बता दूं बाइक में जो फ्रंट में टायर मिलता है गाइस वो 90-90 का टायर मिलता है। जी हां गाइस, 90-90 का टायर आपको फ्रंट में मिल जाएगा जो कि 17 इंच व्हील के साथ में आता है।
रियर में आपको बाइक में 120/80 का टायर मिल जाता है, वो भी 17 इंच व्हील के साथ में आता है। टायर टाइप ट्यूबलेस टायर है, व्हील टाइप में अलाउ व्हील है। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, तो ब्रेकिंग में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, स्पेशल फीचर में आपको बाइक में सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि सिंगल चैनल ABS आपको बाइक में देखने को मिल जाएगा। एंड वही दोस्तों बात करें ब्रेकिंग प्लेट साइज के बारे में, तो मैं आपको बता दूं ये ट्विन डिस्क मॉडल है, तो इसमें डुअल डिस्क है। इसमें 150 नियॉन और स्टैंडर्ड भी आती है, अगर आप वो लेंगे तो उसमें आपको सिंगल डिस्क मिलेगा। इसमें फ्रंट में जो प्लेट यूज की गई गाइस, वो 280 mm की है। जी हां, 280 mm की प्लेट फ्रंट में यूज की गई है। रियर में आपको बाइक में 230 mm की प्लेट देखने को मिल जाती है। तो ये था दोस्तों बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क न्यू ब्लू कलर का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो कलर ऑप्शन है बाइक का काफी अच्छा है, और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे बजाज कोशिश कर रहा है कि उनकी जो पुराने कलर्स है उसको वापस से लाएं और भाई उसको मतलब इंडियन मार्केट में बेचा जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गाइस ये जो कलर ऑप्शन है भाई आज भी भाई जोरदार लगता है, इसलिए दोस्तों बजाज ने इसे वापस लाया। सो आप लोग मुझे कमेंट करके अब ये जरूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके।